मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके ऊपर हम जरूर बात करते हैं। आज मैं ये जो सूर्य परिवर्तन होता है जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है, आज मैं सूर्य का जो मकर राशि में 14 जनवरी 2023 को जो परिवर्तन होने जा रहा है तथा जो 13 फरवरी 2023 तक रहेगा इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मकर में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही उत्तरायण का आरंभ हो जाएगा। जब भी मकर में सूर्य आता है तो उत्तरायण आरंभ होता है तथा ये 15-16 जुलाई तक चलता है, 6 माह का पीरियड। इसे देवताओं का दिन तथा असुरों की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसी में सारे शुभ कार्य होते हैं, सृष्टि में नव ऊर्जा होती है, नवरात्र, अक्षय तृतीया, कई जो है दशावतारों के जन्म इसी समय में हुआ करते हैं, लोहड़ी, होली इत्यादि कई प्रकार के शुभ कार्य, गंगा तीर्थ इत्यादि सब इसमें हुआ करते हैं। इस माह में शनि मंगल राशि नहीं बदलेंगे, मंगल राहु के तो शनि बुध और शुक्र भी राशि बदलेंगे। शनि लगभग 2.5 वर्ष के लिए राशि बदलने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मीन लग्न के ऊपर सूर्य के मकर राशि में प्रभाव का क्या असर होगा। आपका मीन लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर बीच के खाने में यदि 12 नंबर मीन या पाइसी छपा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा यदि आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दी, दू, था, ग्या, या, दे, दो, चा तथा ची, ये नाम के अक्षर हैं। मीन लगन में सूर्य छठे स्थान के स्वामी हैं तथा एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश में आते ही अत्यधिक शुभ प्रभाव देने लगेंगे, प्रबल हो जाएंगे, हर प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, नौकरी हो, राजनीति हो, सब में हो। परंतु थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना ही पड़ेगा या पारिवारिक शांति के लिए कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य साधारण, स्वास्थ्य की बात करें साधारणतः शुभ रहेगा, परंतु जेनेटिकल हेल्थ इश्यूज 22 के उपरांत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जेनेटिकल में ये शुगर हो गया, आपका आइज हो गया, आपके ज्वाइंट पेन्स हो गए, विटामिन डी का गिरना हो गया, या अस्थमा इत्यादि सांस की तकलीफ, बैक पेन होना जिसका कोई रीजन ना मिल रहा हो, वेट गेन होना, हार्मोन थायराइड्स लेडी के लिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स में परिवर्तन, वेट में परिवर्तन आना, 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा के लोगों के लिए मधुमेह का, आइज का, गुर्दों का, ज्वाइंट्स का और हड्डियों की कमजोरी, विटामिन डी की कमी और आई साइट में, इस माह में कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा, सूर्य सही रहेगा, लेकिन पेट से जुड़े जेनेटिकल डिसऑर्डर्स या ऐसी समस्याएं जिनका इजीली मेडिसिन में निदान ना मिलता हो केतु के कारण, और लिवर 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए इन सभी विषयों में सावधान रहनी होगी। और शिक्षा, धर्म तथा भाग्य, सबसे पहले धर्म की बात कर लेते हैं। धर्म में संस्कार प्रबल रहेंगे आपके, पूजा पाठ में मन रहेगा, आप भक्ति दुर्गा, गायत्री और गणेश, लक्ष्मी तथा भगवान कृष्ण के पूजन में व्यस्त रह सकते हैं। योग में सूर्य नमस्कार योग तथा साधना, अध्यात्म और शनि के प्रति ध्यान में जाना, सुख भगवान कृष्ण के प्रति पुनर्जन्म के देवता कुछ कारणों से ध्यान में जाना और भक्ति चिंतपूर्णी के प्रति ध्यान में जाना, ये संभव होगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा और कर्म से भाग्य अत्यधिक प्रबल रहेगा पूरे समय, विशेष करके 7 तारीख तक। कर्म और भाग्य का संतुलन उत्तम बना रहेगा। शिक्षा की बात करें, प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों में एवरेज है, परंतु एवरेज से ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अत्यधिक शुभ है। मेडिसिन से फील्ड से जुड़ी पढ़ाई हो, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाई हो, या आपका अकाउंट्स, लॉ, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स, टीचिंग से जुड़ी पढ़ाई हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज सेवा, पॉलिटिकल साइंसेस से जुड़ी पढ़ाई हो, या विदेश में मीडिया, एडवर्टाइजिंग या सिविल इंजीनियरिंग या फॉरेस्ट से जुड़ी पढ़ाई हो, जियोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, इनसे जुड़ी पढ़ाई हो,
क्लाइव रोड में ये सारा शुभ रहेगा। नौकरी तथा व्यापार, नौकरी में अति उत्तम समय रहेगा, विशेष करके सरकारी नौकरी हो, बैंकिंग की या आपकी होटल व्यवसाय में, बैंक या लॉ जुडिशरी या फौज पुलिस, मेडिसिन के फील्ड में कोई भी जॉब हो, डिफेंस में कोई भी जॉब हो, कागज़ कपड़ा कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, आपका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कोई भी जॉब हो, तो इसमें आपकी प्रमोशन होना या शुभ चेंज ये संभव होगा। विदेश में वॉइस के उपरांत में मीडिया एडवर्टाइजिंग या लोहे के क्षेत्र से जुड़ी हुई या रेलवेज या इससे जुड़ी विदेश में भी नौकरी के आपको योग भी हो जाते हैं। व्यापार में समय उत्तम रहेगा, विशेष करके गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ आपका कोई ठेकेदारी हो या गवर्नमेंट से की सप्लाईज हो, लाइजन हो, या आपका व्यापार जो है ये कागज़ कपड़ा कंप्यूटर्स आर्किटेक्चरल या फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हो, मेडिसिन के फील्ड से जुड़ा व्यापार हो, डिफेंस फोर्सेस या एग्रीकल्चर या बिजली के व्यापार क्षेत्र से जुड़ा व्यापार हो, या जैसे होटल से जुड़ा हुआ आप वकील हो, या एजुकेशन से आपका अपना छोटा मोटा स्कूल हो, सोने का चांदी का सोने का पीली वस्तुओं का थोक व्यापार हो, इन सब में आपका समय पॉजिटिव रहेगा। विदेश के लिए व्यापार के लिए मीडिया एडवर्टाइजिंग का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, या लोहे सीमेंट हार्डवेयर का या मेटल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, तो विदेश के जो शेयर्स हैं उनमें ये पीरियड अब्रॉड का ये अच्छा रहेगा। व्यापार में आपकी एडिशन भी हो सकती है, नया व्यापार जो है 7 तारीख से पहले पहले हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 22 जनवरी के उपरांत समय उत्तम रहेगा। धन तथा आर्थिक, जॉब में नौकरी में धन प्रबल रहे, 7 तारीख के उपरांत नौकरी में बड़ी प्रमोशन का योग बनता है, बड़ा धन लाभ मिलता है, किराए से धन आता है, रुका धन आता है, खर्चा आपका इंश्योरेंस या ट्रेवल 22 के उपरांत या हेल्थ इत्यादि को लेके हो सकता है, उधार पर भी आपको 22 तारीख के ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, नौकरी में आपने लिया हो या PPF एडवांस इत्यादि लिया हो तो आपको वापस करना वो सारा है, या कुछ पेमेंट इनकम टैक्स इत्यादि के वो खर्चा आ सकता है। पैतृक संपत्ति जो है आपको 22 तारीख तक इससे लाभ हो सकता है और ये धन आपको आ सकता है, ग्रोथ आपकी पॉजिटिव रहेगी। व्यापार की बात करें तो इनकम और प्रॉफिट दोनों ही पॉजिटिव हैं, 22 तारीख के उपरांत ये बढ़ते चले जा रहे हैं, 7 तारीख के उपरांत जो है आपको पैतृक स्रोतों से भी लाभ मिल रहा है, किराए से लाभ मिल रहा है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से लाभ मिल रहा है, इंश्योरेंस मैच्योरिटी से और कोर्ट के आदेश से आपको धन प्राप्ति होती लग रही है। धन प्राप्ति जो है आपको विशेष करके कागज़ कपड़ा कंप्यूटर्स में आपका व्यापार हो, या मेडिसिन से जुड़ा व्यापार हो, या डिफेंस फोर्सेस की सप्लाई से इत्यादि से, एग्रीकल्चर से भूमि से जुड़ा व्यापार हो, सरकार से जुड़ी ठेकेदारी हो तो वहाँ से, और होटल व्यवसाय, लीगल व्यवसाय या एजुकेशन से जुड़ा व्यवसाय या सोने इत्यादि में, इनसे तीव्र धन प्राप्ति का योग है। इन्वेस्टमेंट भी आपकी हो सकती है, बिजनेस में बड़ी प्रॉपर्टी के लिए भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फॉरेन ट्रैवल से जुड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो महीना काफ़ी अच्छा है। बात करें प्रेम रिश्ते और विवाह, विवाह का समय उत्तम रहेगा, मैरिड लाइफ के लिए उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में 22 तारीख तक धोखा संभव, 22 तारीख के उपरांत धोखा संभव है, 22 उपरांत से लेके और 14 फरवरी तक। मैरिज अपनी बिरादरी में रिश्ता आना लगभग 7 तारीख तक आपको संभव है, 7 फरवरी तक, और अब्रॉड जो रिश्ता है 22 के उपरांत हो सकता है, रिश्ते उत्तम रहेंगे। आपके रिश्तों में पिता और परिवार के साथ रिश्ते और जॉब में उत्तम रहेंगे, व्यापार में उत्तम रहेंगे। उपाय, रत्न मूंगा, मोती, पन्ना तथा पीला पुखराज, इनमें से कोई भी एक और दो विशेष करें, मूंगा और पीला पुखराज लाभकारी रहते हैं इस लग्न के लिए। दान में चीनी, काले उड़द, साबुत मूंग और कंबल, इसका दान आप हर शनिवार को 14 जनवरी से 13 फरवरी में कर सकते हैं। योग साधना अध्यात्म में आप गायत्री मंत्र करना, योग में जाके भक्ति दुर्गा के मंत्रों में एंगिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे अथवा सूर्य का ओम नमः नारायण है, ओम भक्ते वासुदेवाय, इनका मंत्रों का जाप करना, या इनके बीज मंत्र ओम ग्रांकरी करोषा गुरु नमः अथवा ओम ग्रांकरी करोषा भोमाय नमः तथा ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्य नमः, इन मंत्रों का लगातार जाप करने से आपको प्रबल लाभ आपके बढ़ते चले जा रहे हैं।
पिछले जन्म के भी कुछ आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं इस समय, इसलिए पूजाओं से लाभ बढ़ जाता है। आप मछली और कौए और गाय को भोजन दे सकते हैं। मीन लगन के स्वामी जो हैं ये आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, ये मांसाहार मद्यपान से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचे, वेजिटेरियन हैं। और ये जो उपाय जो भी हैं इनसे आपका जो भविष्य में आने वाली नेक्स्ट लाइफ या जो भी है भविष्य के लिए बड़े शुभ प्रभाव मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।